हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं धनिए के बारे में। जो धनिया होता है, खाने वाला जो धनिया होता है उसके बारे में। धनिया कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो धनिए के उपयोग हैं आज मैं वो बताऊंगी आपको कि इसका क्या फ़ायदा है। तो पांच जो इसके फ़ायदे हैं मैं आपको वो बताऊंगी। सबसे पहले आता है जो दस्त होते हैं, अगर हमें लूज मोशन लगे हुए हैं, आराम नहीं मिलता है और बहुत सारी अगर हमने दवाइयाँ भी खा ली हैं और असर नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें जो धनिया है उसकी पत्तियाँ भी चबा सकते हैं या फिर धनिया पीसकर उसका जूस बनाकर वो भी हम पी सकते हैं। इससे हमें बहुत ही लाभ मिलेगा और हमें ये फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद आता है पेशाब। अगर हमारा पेशाब पीला आता है, गाढ़ा पीला रंग का अगर पेशाब आता है, अगर पेशाब में वो बोलते हैं ना जलन हो रही है, गर्मी हो रही है, तो हम धनिए का जो पानी है छान कर वो पी सकते हैं। रात को धनिया भिगो दीजिए और सुबह उठकर खाली पेट आप धनिए का जो पानी है वो पी सकते हैं। इससे आराम मिलेगा और हमारी जो किडनी है उसमें भी जो स्टोन होते हैं वो भी क्लीन होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो पानी है, नॉर्मल पानी है, वो पीना चाहिए। उसके बाद आता है कील मुहासे झाइयाँ। ये आम प्रॉब्लम हो गई है आज के टाइम में, तो कील मुहासों के लिए बहुत सारी क्रीम जो है वो उपयोग में लाई जाती हैं कि ये लगाइए ये लगाइए, इससे आपकी जो स्किन है वो ग्लो करेगी, बेटर फील होगी। लेकिन मानिएगा, धनिए की जो पत्तियां हैं उसको पीस कर उसका पेस्ट बनाकर अगर हम फेस पर लगाते हैं तो झाइयों से छुटकारा मिलता है, कील मुहासों से भी। उसके बाद आता है वॉमिटिंग, मितलियां, उल्टियां अगर हमें हो रही हैं, आराम नहीं मिलता है, ट्रैवलिंग में है, घर बैठे अगर हमारा जी मितलाता, कई बार होता है कि टेंशन में अगर या वैसे भी हमारा जो मूड है वो अलग सा हो जाता है कि हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें उल्टी जैसा फील हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो धनिया है उसका जूस बनाकर शेक बना लीजिए आप पानी में डालकर, और उसको अच्छे से ग्राइंड करके आप पी सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेटर फील होगा। उसके बाद आता है थकान। अगर आपको बहुत ज़्यादा ही थकान महसूस हो रही है, आप काम करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है आपका, तो जो धनिया है वो कारगर साबित हो सकता है, आपके मूड को चुटकियों में बदल सकता है। बहुत सारा काम का स्ट्रेस होता है, आज की लाइफ जो है बहुत बिजी लाइफ है, तो आप धनिए की जो पत्तियां हैं उसको आप कच्चा भी चबा सकते हैं, बहुत बेनिफिट करेगा हमारी बॉडी को। और आप नॉर्मल वाटर जितना भी हो सके आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पिएगा, इसका जूस बना के भी आप धनिए का पी सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।